राजधानी देहरादून में लगातार भूमाफियों की गतिविधियों के मामले सामने आते रह रहे हैं। ऐसे ही एक ताजा मामला ग्रीन वैली राजपुर रोड देहरादून के सामने आया है, जहां पीड़ित राकेश हेराल ने बताया कि उनकी दादी को मृत दिखाकर दो भूमाफियाओं सूर्य प्रताप और गोविंद लाल ने प्लॉट पर कब्जा कर लिया है और इन दोनों भूमाफियाओं ने फर्जी बेनामा कराकर 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हड़प कर उनके मकान को भी ढहा दिया है। पीड़ित राकेश हेराल ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत जिलाधिकारी देहरादून से की और उनकी मांग है कि इस मामले में जिलाधिकारी उचित कार्रवाई करे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। सर, ये मेरी मदर की एज का फायदा उठाया और रिहैब भिजवा के और वहाँ पर वो ससुर दामाद लोगों ने दोनों ने मिलके गेम खेला। कुछ लोग हमारे पड़ोस के भी मिले हुए हैं उसमें, कुछ नगर निगम का भी मे भी वो लोग लॉयर हैं, यानी कि वो बोलता है कि मैं मेरा ससुर जो दामाद है वो लॉयर है सूर्य प्रताप और ये भू माफिया लोग हैं। तो इन लोगों को तो पहले से पता था कि कैसे गेम खेलना है, वरना इतनी हिम्मत तो कोई करता नहीं है। सर ना सर, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमें हमारी प्रॉपर्टी वापस दिलाई जाए। काफ़ी लोग अलग अलग राय देते हैं कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन हम तो मैं नहीं बेचना चाहता हूँ। मैं वहाँ हमारी पूरा बचपना गुजरा है, यादें हैं। प्रॉपर्टी कितनी देखी सर? 4 करोड़ बता रहे हैं, मिनिमम 3 भी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो 54-55 लाख रुपए दे के और उसमें भी 20-30 लाख रुपए खा चुके हैं लोग।